लीडर्स, इसके पहले वाले वीडियो में कॉल आ गया था, इसलिए हमको ये दूसरा वीडियो हमको बनाना पड़ रहा है। ओके, लुक एट द फोन। तो मैं बता रहा था डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरीज जो होता है, ये पोर्शन है दैट इज इनेमल, दिस वन डेंटाइन, थर्ड वन दैट इज पल्प कैविटी। फूड जो हम लोग खाए इस ऊपर हिस्से में कहीं भी, जैसे ये फूड है मान लीजिए, अगर इस फूड में सलाइवा और माइलेज मिल गया तो बैक्टीरिया कुछ भी नहीं कर सकता है। जो हमारे मुंह में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, ये कुछ भी नहीं कर सकते। कब? जब उस फूड में सलाइवा मिल गया और उस भोजन को माइलेज में चेंज कर दिया। लेकिन वह फूड जिसमें अमाइलेज नहीं मिल रहा है, तब डीप एसिड कॉजिंग बैक्टीरिया क्या करेगा, इस फूड को जो है तोड़ देगा और तोड़ के इसको एसिड में चेंज कर देगा। और यही एसिड क्या करता है, इस इनेमल को और डेंटाइन को जो है, इसके लेयर्स को, इसकी परत को जो है वह तोड़ता चला जाता है, तोड़ता चला जाता है और छोटे छोटे जो है हॉल बनाया जाता है। इस हॉल को कहा जाता है ब्लैक हॉल। ठीक, ये जो ब्लैक हॉल बन गए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक हॉल बाय द एक्शन ऑफ एसिड रिलीजिंग बाय एसिड कॉजिंग बैक्टीरिया, दिस स्टेज ऑफ टूथ इज नोन एज डेंटल कैरीज और डेंटल डीके। ओके, अब ये एक बार जब हो गया उसके बाद ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, धीरे धीरे इनेमल डेंटाइन को के परत को तोड़ते हुए ये नीचे की ओर चले जाते हैं, पल्प कैविटी। कहां चले जाते हैं? पल्प कैविटी। अब पल्प कैविटी में आने के बाद ये बैक्टीरिया इस ब्लड वेसल्स को एंड नर्व्स, इसको ये डैमेज करते हैं, इसको ये इन्फेक्टेड करते हैं, जिसके रिजल्ट, जिसके चलते इसमें क्या हो जाता है, इंफ्लामेशन। जब इसमें इंफ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, तब हम लोग को दांत का दर्द महसूस होता है। तो टूथ एच या टूथ है इस काउस बैक्स, तो टूथ है इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ एसिड कॉजिंग बैक्टीरिया दैट इनवेड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ओके, ये हो गया डेंटल कैरीज, टूथ है, और तीसरा है डेंटल प्लाक। डेंटल प्लाक क्या है? डेंटल प्लाक, ये भी एक दांत की एक बहुत खराब अवस्था है, इज द बैड स्टेज ऑफ ए टूथ। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया भोजन के साथ विद फूड स्ट्रॉन्गली स्टिक, बड़ी मजबूती इसके साथ जो है, ये गम्स का जो ऊपर स्टेज है डेंटाइन के पास, वहां पर जो है ये चिपक जाते हैं। स्ट्रॉन्गली स्टिक विथ ए टूथ एंड
इट इज नोन एज जेंटल प्लैक, जिसे बहुत खराब बदबू आता है, इट इज ए बैड फॉग, ये बहुत गंदा बदबू ये महसूस करवाता है। तो ये हो गया डेंटल प्लाक। तो डेंटल कैरीज, डेंटल प्लाक एंड टूथेक, ये इसके कंडीशन हो गए। अब इसके लिए हम लोग को कुछ स्टेप क्या करना चाहिए, हम लोग को दो टाइम अच्छे से जो है ब्रश करना चाहिए, खाना खाने के बाद हम लोग को अच्छे से कुल्ला भी करना चाहिए, जिससे कोई फूड पार्टिकल जो है वो दांत में फंसा हुआ नहीं जाए। ये भी हो गया। और इन योर लोअर क्लासेस यू मस्ट हैव रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ टीथ। तो टीथ जो आप जानते हैं ये चार प्रकार के होते हैं, पहला है इंसाइडर्स, दूसरा है कैनाइंस, तीसरा है प्रीमोलर्स और चौथा है मोलर्स। ओके, दोनों अपर जॉ और लोअर जॉ, मैंने एक जॉ का ले रहा हूं, इसकी संख्या होती है 4, इसकी संख्या 2, जोड़े पेयर में इसकी संख्या 4, इसकी संख्या 6, 4, 2, 4, 6, 16 इन ईच जॉ। ओके, ये इंसाइजर्स, इसमें इसका जो काम है इंसाइजर्स का, ये कटिंग, इट इज यूज फॉर कटिंग और बाइटिंग। ओके, कैनाइन, इट इज यूज फॉर ग्रास्पिंग, ग्रास्पिंग ऑफ फूड, ये भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं कैनाइंस। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, यू रिमेम्बर, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स बोथ आर यूज्ड फॉर, ये जो काम करते हैं फॉर ये च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, एंड ग्राइंडिंग, दीज आर द जॉब्स ऑफ सच टाइप ऑफ टीथ। इंसाइजर्स कटिंग और बाइटिंग, कैनाइंस इज यूज फॉर ग्रास्पिंग ऑफ द फूड, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स बोथ आर यूज्ड एज च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ओके, थोड़ा सा और थोड़ा सा कुछ हल्का बता दें, इंसाइजर्स का जो रूट होता है दैट इज सिंगल, इसमें सिंगल रूट होते हैं, याद रखिएगा, इंसाइजर्स में सिंगल रूट होते हैं, रूट नंबर इसमें एक होते हैं 01, इसमें भी 01 एक ही रूट होते हैं। प्रीमोलर में अपर जॉ में 2 होते हैं, नीचे जॉ में 1 होते हैं। पोलर में जो है ये मोलर जो है इसमें 3 होते हैं और नीचे में 2 होते हैं, ये इसका रूट सिस्टम। और इसका जो क्राउन होता है इस टाइप का, ये उभार जो देखते हैं एलिवेटर्स, इसको कहा जाता है कस्प, इसमें सिंगल एक कस्प होता है, इसमें भी एक कस्प होता है, इसमें 2 कस्प होता है, इसमें 3 कस्प होता है, पर उभार, दांत का जो उभार होता है उसको कहते हैं कस्प या एलिवेटर्स। तो इन साइजेस में इसमें भी कस्प जो होते हैं इसको भी लिख दीजिए, इसको नोट कर लिया। अब इसमें जो कस्प होते हैं इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें 2, इसमें 3 और 4, तो एक कस्प होते हैं जिनको कहा जाता है मोनोकस्पिड, 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 डाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, मोनोकस्पिड, मोनो कस सी यू एस पी आई डी, मोनोकस्पिड मतलब एक स्पीड है, ठीक, दूसरा है डाई डी आई डाई कस्पिड,
CUSPID डाइकस्पीड, मतलब दो कस्पीड है, और ट्राइकस्पीड, ट्राइकस्पीड का मतलब होता है जिसमें तीन उभार है, तीन एलिवेटर है, जहां तीन इनेबल के पोर्शन है। तो ये हो गया, दीज आर द लिटिल इंट्रोडक्शंस ऑफ टूथ। ओके, थैंक यू।